माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बाद अब यूपी सरकार के निशाने पर है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया हाजी इकबाल। सहारनपुर पुलिस ने आज एक बार फिर से मिर्जापुर में स्थित हाजी इकबाल की कोठी पर BSC की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा किया, साथ ही वहां पर मुनादी भी कराई गई। आपको बता दें कि हाजी इकबाल पर सहारनपुर पुलिस की तरफ से 1,00,000 रुपये का इनाम है। हाजी इकबाल, उनके सहयोगियों, उनके बेटे और भाइयों पर दुष्कर्म, अवैध खनन करने, जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी करने जैसे कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि सहारनपुर पुलिस हाजी इकबाल के 4 बेटों और उनके भाई को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन हाजी इकबाल पिछले 1 साल से लगातार फरार चल रहा है, लेकिन अब पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाजी इकबाल की और उनके सहयोगियों की करीब 500 करोड़ की संपत्तियों को भी सहारनपुर प्रशासन के द्वारा अब तक कुर किया जा चुका है, लेकिन हाजी इकबाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है। सहारनपुर पुलिस का दावा है कि हाजी इकबाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। आज हाजी इकबाल जो कि चिन्हित खनन माफिया हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में माननीय न्यायालय द्वारा 82 CRPC के तहत इनको न्यायालय में पेश होने के लिए आदेशित किया गया है, जिसके कि नोटिस इनके संपत्ति पर घर पर चस्पा किए जाएंगे और इनको सूचित किया जाएगा, और यदि यह नहीं आते हैं और कोर्ट पे पेश नहीं होते हैं तो इसमें माननीय न्यायालय के आदेशों के अवहेलने का मुकदमा दर्ज होगा और इसके पश्चात इनकी कुर्की की जाएगी इनकी संपत्ति की। ये प्रकरण काफ़ी समय से माननीय न्यायालय में विचाराधीन था और बड़ी प्रभावी पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट स्तर तक हमने पैरवी की है, जिसके पश्चात पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है।